हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू निर्भर एकेडमी। होप यू ऑल बी हैप्पी एंड हेल्दी। सो लेट्स स्टार्ट योर लेक्चर। आज हम कवर करेंगे इंग्लिश 9th क्लास की जो बुक है आपकी बिहाइव, उसका प्रोज सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। और जो चैप्टर आज हम कवर करेंगे वो है द लिटिल गर्ल, विच इज रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड, एंड दिस वन इज द चैप्टर 3। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर, ऑथर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कैथरीन मैंसफील्ड मुरी वॉज बोर्न ऑन 14th अक्टूबर 1888 एंड डाइड ऑन 9th जनवरी 1923 वॉज अ प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट राइटर हु वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में ही उनका जन्म हुआ था, वहीं पे उनका बचपन जो था वो गुजरा था। शी रोट शोर स्टोरीज एंड पोइट्री अंडर द पेन नेम कैथरीन मैंसफील्ड। सो उनका जो पेन नेम था, जिनसे वो लिखा करती थी, जिस नाम से वो लिखा करती थी, वो कैथरीन मैंसफील्ड था। व्हेन शी वाज 19 शी लेफ्ट कॉलोनियल न्यूजीलैंड एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड। तो उन्होंने जब वो 19 ईयर्स की थी, न्यूजीलैंड छोड़ दिया था और इंग्लैंड में सेटल हो गई थी वो। वेयर शी बिकम अ फ्रेंड ऑफ डीएच लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, लेडी ऑटोलिन मोरे एंड अदर्स इन द ऑर्बिट ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो जहां पर बहुत सारे जो प्रोमिनेंट और फेमस जो राइटर थे, जिसमें डीएच लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, लेडी ऑटोलिन मोरे, ब्लूम्सबरी ग्रुप जो था, उन सभी फेमस राइटर्स ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था। इट वाज जस्ट लाइक अ क्लब, एक क्लब की तरह था वो, जिसमें उसी का ही एक पार्ट जो था वो बन गई थी। मैंसफील्ड वॉज डायग्नोस्ड विद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इन 1917। तो उनको ये बीमारी हो गई थी एंड शी डाइड इन फ्रांस एज्ड 34। और बहुत ही कम उम्र में, जब वो 34 ईयर्स की थी, फ्रांस के अंदर उनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस इस बीमारी की वजह से। अब हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं चैप्टर का। जैसा कि आपने टाइटल देखा द लिटिल गर्ल, तो आपके माइंड में आ गया होगा कि ये जो कहानी है ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। और हम इसमें देखेंगे कि वो बच्ची जो हमेशा अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी और उसको लगता था कि जो सभी फादर होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरह के होते हैं, और धीरे धीरे करके लास्ट में ऐसा कुछ होता है जिससे उसका जो माइंड होता है वो ये चेंज हो जाता है ये सोचते हुए, क्योंकि अभी वो अपने फादर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने लगी है, समझने लगी है, मैच्योर हो गई है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से उसके फादर उसके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। शी फियर्ड फ्रॉम हर फादर ग्रेटली, अपने पापा से वो बहुत डरती है। शी थॉट दैट ही वॉज हार्ड हर्टेड एंड स्ट्रिक्ट, और वो क्या सोचती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उनका जो दिल है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। शी ऑलवेज अवॉइडेड हिम, और यही कारण था कि वो डरती थी और हमेशा अपने फादर को अवॉइड किया करती थी। वंस ही बीट हर सेवरली फॉर टियरिंग हिज इम्पॉर्टेंट पेपर्स, और एक बार तो ऐसा भी हो जाता है कि उन्होंने, उनके फादर ने उस बच्ची की बहुत ज्यादा पिटाई की, क्योंकि उस बच्ची ने, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो पेपर्स जो है, जो वो यूज कर रही है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसने उसको, उन पेपर्स को टेयर कर दिया था, फाड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके फादर ने वो उसको पीटा था। बट वन नाइट हर मदर वॉज इन द हॉस्पिटल, लेकिन एक दिन ऐसा होता है, एक रात में ऐसा होता है कि उसकी मदर की तबीयत खराब होती है और उसकी मदर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। द लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ डार्क बट हर फादर कंसोल्ड हर। तो यहां पर उसकी जो मेंटेलिटी है अपने फादर को लेकर के, वो चेंज होती है। वो अंधेरे से बहुत डरती थी वो बच्ची, लेकिन यहां पर उसके फादर ने उसको कंसोल किया, उसको बहुत ज्यादा प्यार से उसको ट्रीट किया। एंड देन शी रियलाइज दैट ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक, और तभी उसने रियलाइज किया कि सारे जो फादर्स होते हैं, जितने भी फादर्स होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। सम शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड प्ले विद देम, कुछ ऐसे होते हैं जो अपना प्यार अपने बच्चों के लिए दिखा देते हैं, उनके साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। अदर्स ऑल्सो लव एंड केयर, और जो पेरेंट्स होते हैं और जो फादर होते हैं वो भी लव करते हैं अपने बच्चों को, केयर करते हैं। बट दे शो इट बाय वर्किंग हार्ड फॉर देम, लेकिन वो अपना प्यार कैसे शो करते हैं, उनके लिए बहुत सारी मेहनत करके एंड गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस, और उनको साथ साथ इंस्ट्रक्ट भी करते रहते हैं, एडवाइस देते रहते हैं। तो हर फादर का जो है अपने अपने तरीके से लव और अफेक्शन शो करने का तरीका होता है, वो बच्ची समझ जाती है। नाउ शी बिगिन टू अंडरस्टैंड हिम, और धीरे धीरे वो अपने फादर को अब समझने लग जाती है। शी फेल दैट हर हेट्रेड फॉर हिम हैड बीन ऑल रॉन्ग, और लास्ट में वो फील करती है इस बात को, उसने महसूस किया
कि उसके फादर के लिए जो हेट्रेड उसके मन में है, जो नफरत उसके मन में थी, वो बिल्कुल गलत थी, उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से चेंज होती है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी सी बच्ची के लिए ये वह ही कौन है, यहाँ पे फादर, यहाँ पे ही जो है फादर को रेफर किया जा रहा है। लिटिल गर्ल कौन है? लिटिल गर्ल है केजिया, लिटिल गर्ल केजिया। और अपने उसके लिए जो वो बच्ची है उसके लिए ये जो फिगर है, फिगर टू बी फियर्ड, इट मीन्स ये पर्सन, यहाँ पे फिगर कौन है? पर्सन है। उससे उसको डरते रहना है और उनको अवॉइड भी करना है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। हर सुबह जाने से पहले, काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आते एंड गेव हर अ कैजुअल किस। कैजुअल क्या होता है? इनफॉर्मल, जैसे रेगुलर आप बोल सकते हो, इनफॉर्मल और रेगुलर। आते, उसको प्यार करते, टू विच शी रिस्पॉन्डेड। रिस्पॉन्डेड क्या हो गया? रिप्लाइड। और जैसे ही वो उसको प्यार करते, वो बदले में उसको अपने फादर को विद गुड बाय, गुड बाय फादर, ऐसे रिस्पॉन्ड करती वो। एंड ओ देर वॉज अ ग्लैड, ग्लैड मीन्स क्या है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ वेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और उसको एक बहुत जो है, जैसे उसके फादर जो चले जाते थे, कैरेज, कैरेज क्या है यहाँ पे? कार को, कार को रेफर किया जा रहा है यहाँ पे। फेंटर मीन्स होता है डिक्रीजिंग, कोई भी चीज जब डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज। तो उसको बड़ा ही, शी जस्ट टुक अ सेंस ऑफ रिलीफ, उसको बहुत अच्छा लगता था, उसको लगता था कि हाँ अब बहुत सही हो गया है, जब उसके फादर जो है गाड़ी में बैठ करके उस लंबे रोड के ऊपर चले जाते थे और उसकी आवाज जो थी वो डिक्रीज, कम होती चली जाती थी। तो फाइनली उसको लगता था कि हाँ फादर अब चले गए हैं और अब उसको किसी तरह का कोई भी डर नहीं है। तो बच्ची इतना डरती थी अपने फादर से। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। और जब फादर शाम को घर आते तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और हॉल में उनके पापा के आने की जो आवाज थी, जो ऊंची आवाज थी, उसको सुनती वो। और वो क्या बोलते? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, कि मेरी जो चाय है वो जल्दी से ड्रॉइंग रूम में ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो वो अपनी मदर से कहते, जो उनके फादर की मदर है, कौन? ग्रैंड मदर केजिया की। उनसे कहते कि जाइए और पेपर लेकर के आइए एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मुझे मेरे स्लीपर्स ला करके दीजिए। तो यहां पर वो देखती कि जब वो शाम को आते थे तो सबको इसी तरह से ही वो बात करते थे, चाहे उनकी मदर हो चाहे केजिया हो। तो इसीलिए वो उनको इस तरह से बोलते हुए लाउड वॉइस में वो सुनती थी। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। अब जो मदर थी केजिया की, वो उसको आवाज लगाती, केजिया इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, कि अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो तुम नीचे आओगी एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने पापा के जो शूजेस हैं उनको रिमूव करोगी। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। तो वो जो बच्ची थी वो धीरे धीरे से नीचे आती, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। और उसकी जो पैरों की जो चलती थी वो बहुत ही, वो धीरे धीरे चलती थी, हॉल तक पहुंचती एंड पुश ओपन द ड्रॉइंग रूम डोर, और ड्रॉइंग रूम का जो दरवाजा था उसे वो खोलती। बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तो यहां जब तक वो उनके पास पहुंचती थी, वो अपने स्पेक्टेकल्स जो थे वो पहन लेते थे और उन स्पेक्टेकल्स में से झांकते हुए किसको? उस बच्ची को। जब वो देखते तो उस लड़की को वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग, टेरिफाइंग क्या होता है? फ्राइटन, फ्राइटन डरा देने वाला। तो जिस तरह से फादर उसको देखते थे वो उसको बहुत ही ज्यादा डराने वाला लगता था। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स। तो क्या बोलते कि जल्दी करो केजिया, जल्दी से ये बूट्स रिमूव करो एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर लेकर के जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टूडे, क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची बनकर रही पूरा दिन? आई डोंट नो फादर। और वो बच्ची जो है थोड़ा शटर करती और आई डोंट नो फादर करके बोलती। तो यहां पे देखिए ड ड ड,
मीन्स यहाँ पर वो बच्ची जो है अपने फादर से इवन इतना ज्यादा डरती थी कि वो प्रॉपरली अपने फादर से बात भी नहीं कर पाती थी. शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल. शटर्ड मीन्स क्या होता है? स्टैमर, हकलाना, स्टैमर्ड. तो ऐसा नहीं था कि वो और लोगों से भी ऐसे ही हकलाते हुए बात करती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप. अब उसने इस तरह से बिल्कुल छोड़ दिया था क्योंकि अभी वो बड़ी हो गई थी. अब वो अच्छे से बातें कर पाती थी और दूसरों से, बट ओनली विद फादर. लेकिन जब उसे अपने फादर से बात करनी होती थी, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. तो इसीलिए, क्योंकि वो कोशिश करती थी कि कुछ वो गलत ना बोल दे, और उन वर्ड्स को बोलने से पहले वो बहुत कोशिश करती थी. यही कारण था कि वो हकलाती थी, वो स्टैमर कर जाती थी. व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? रेस्ट मीन्स अनहैप्पी. कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों नजर आ रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. अब वो अपनी मदर से कहते हैं कि आप इस बच्ची को ये सिखाइए कि हमेशा ऐसे नजर ना आए कि जैसे ये बिल्कुल सुसाइड करने वाले. ब्रिंक मीन्स क्या होता है? Brink, the extreme edge, जो किनारा होता है उसको बोलते हैं. और suicide means क्या हो गया? To kill herself. तो वो कहते हैं कि ये हमेशा ऐसे लगती है कि जैसे अभी मरने वाली है, तो आप इसे सिखाइए कि हमेशा ये इस तरह से बिहेव ना करें. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. और उसे कहते हैं कि यहां Kezia, और ये जो चाय का कप है इसे वापस टेबल पर रखो. He was so big, his hands, his neck, especially his mouth when he yawned. तो यहां पर वो देख अपने फादर के बारे में देखिए क्या बताती हैं कि उनके जो फादर है वो बहुत बड़े हैं, उनके हाथ, उनकी जो नेक है वो बहुत बड़ी है. स्पेशली उनका जो माउथ है, जब वो उबासी लेने के लिए, यॉन मीन्स क्या होता है? उबासी लेना. तो स्पेशली जब वो अपना माउथ खोलते हैं उबासी लेने के लिए, तो कितना बड़ा होता है. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. तो इसीलिए वो क्या सोचती है कि उनके बारे में सोचना तो किसके बारे में सोचने जैसा है, एक जायंट की तरह. जो राक्षस होता है उसको जायंट बोलते हैं. तो इसीलिए उसकी देखिए थिंकिंग कैसी है कि वो अपने फादर को यहाँ पे एक जायंट के साथ कंपेयर कर रही है, क्योंकि उसको डर लगता है उस बच्ची के सामने फादर का जो फिगर है, उनके हाथ पैर हैं, वो सब चीजें, मुंह उनका इतना बड़ा है, तो उस बच्चे को वो जाइंट की तरह लगते हैं. ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्रॉइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. तो संडे आफ्टरनून को जो ग्रैंड मदर थी वो उस बच्ची को ड्रॉइंग रूम में भेजती, और ये सोच करके भेजती कि अपने मम्मी पापा से वो अच्छे से बैठेगी, बातें करेगी, तो शायद उनको ज्यादा अच्छे से समझेंगी. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. लेकिन जब भी वो ड्रॉइंग रूम में अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए जाती, तो वो देखती कि उसकी जो मदर है वो रीडिंग कर रही है, उनके हाथ में न्यूज़पेपर है, और फादर जो है स्ट्रेच्ड आउट. स्ट्रेच आउट क्या होता है? ले कम्फर्टेबली, आराम से सोफे के ऊपर सो रहे होते. हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस. उनका जो रुमाल था, उनका जो हैंकी था, वो उनके फेस पे होता. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस. और उनके जो पैर होते वो कुशन पे रखे होते थे. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. और जब वो सो रहे होते थे बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहे होते. स्नोरिंग, स्नोरिंग क्या होता है? स्लीप, खराटे लेना सोते टाइम. ठीक है. शी सेट ऑन अ स्टूल. और वो जाकर के ड्रॉइंग रूम में स्टूल पे बैठ जाती. ग्रेवली, ग्रेवली मीन्स सीरियसली. Seriously, watched him until he walked and stretched. तो वो बेचारी तब तक बैठी रहती वहां पे जब तक फादर जाग नहीं जाते थे. और एंड आस्क द टाइम. और क्या पूछते उठते ही? टाइम पूछते. देन लुकड एट हर. और फिर उस बच्ची की तरफ देखते. डोंट स्टेयर सो केजिया. मुझे ऐसे मत घूरो. स्टेयर मीन्स क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली जब आप किसी को देखते रहते हैं. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. तो वो क्या कहते हैं कि जब तुम ऐसे देखती हो तो तुम किसकी तरह लगती हो? बिल्कुल एक छोटे से ब्राउन आउल की तरह लगती हो. वन डे वेन शी वॉज कैप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड. तो एक दिन क्या होता है, एक इंसिडेंट होती है जिसमें उसको कोल्ड हो गया है, बीमार हो गई है वो, जिसकी वजह से वो घर के अंदर ही रहती है. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. तो उसकी जो ग्रैंड मदर है केजिया की, वो उसको ये बताती है कि नेक्स्ट वीक उसके फादर का बर्थडे है. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन. और उसको ये सजेस्ट करती है कि तुम एक पिन कुशन बनाओ फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. और फादर को गिफ्ट करो, एक पिन कुशन बनाओ जो कि
येलो सिल्क, एक येलो सिल्क का जो टुकड़ा है उससे तुम उसे बनाओगी और एज अ गिफ्ट अपने फादर को उनके बर्थडे के ऊपर गिफ्ट कर लोगी। तो यहाँ पर पिन कुशन बनाने की जो सजेशन है ग्रैंड मदर केजिया को देती हैं। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स। अब बड़ी मुश्किल से, लेबोरियसली क्या होता है, हार्डली, बहुत ज्यादा मेहनत करके उस बच्ची ने विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, उस कपड़े को थ्री साइड से स्यू कर दिया, उसको स्टिच कर दिया। बट वट टू फिल इट विद, लेकिन उसमें फिलिंग क्या करें, क्योंकि पिन कुशन बनाना है वो कुछ इस तरह का आपका होता है। तो उसने क्या किया, उसने थ्री साइड से इसको स्यू कर दिया और ये वाला साइड उसका कैसा था, ओपन था। तो अभी उसको इसमें कुछ स्टफ जो था वो फिल करना था, दैट वॉज द क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्या फिलिंग किया जाए, द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और जिस टाइम वो इसको बना रही थी ग्रैंड मदर बाहर थी, गार्डन में थी, एंड शी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो क्या करती है, कहाँ चले जाती है, अपनी मदर के बेडरूम में चली जाती है। वेंडर मीन्स वेंट, वो कहाँ चली गई, अपनी मदर के बेडरूम में चली गई टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स क्या होता है, स्मॉल अनवॉन्टेड पीसेस, अनवॉन्टेड पीसेस जिनकी जरूरत नहीं होती, कुछ छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो ढूंढ रही है वो लड़की। और उसको ढूंढने के लिए वो कहाँ चली गई है, मदर के रूम में चली गई है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और जैसे ही वो टेबल के पास जाती है तो उसने देखा वहां पे कुछ पेपर्स रखे हुए थे। गैदर्ड देम अप, उनको उठाया उन पेपर्स को, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे टोर कर दिया, फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस देन स्यूड अप द फोर साइड, और स्टफ्ड, स्टफ्ड मीन क्या होता है, फिल्ड, और उसको फिल्ड फिल्ड टाइटली, और उस क्वेश्चन के अंदर वो जितने भी वो पेपर्स थे उनको इस तरह से फिल किया उसने, और फिर जो ये वो फोर्थ वाला साइड था उसको भी उसने बंद कर दिया, उसको स्टिच कर दिया। दैट नाइट देर वॉज अ यू एन क्राई इन द हाउस। यू एन क्राई क्या हो गया, अपरोर, बहुत ज्यादा शोर शराबा। उस रात घर के अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। फादर की जो स्पीच लिखी हुई थी जो वो देने वाले थे पोर्ट अथॉरिटी में, वो गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च, रूम्स के अंदर ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से पूछा गया। फाइनली मदर केम इन टू केजियास रूम, और फाइनली जो मदर थी वो केजिया के कमरे में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम, कि मुझे लगता है कि शायद तुमने हमारी हमारे रूम के अंदर जो टेबल पे पेपर रखे होते वो नहीं देखे ना। Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. और बच्ची ने क्या कहा कि मैंने तो अपना सरप्राइज बनाने के लिए उसको उन पेपर्स को फाड़ दिया। What screamed mother? अब मदर जो है वो चिल्लाती हैं, shouted. एकदम से मदर ने जैसे ही सुना तो वो चिल्लाती हैं, and come straight down to the dining room this instant. तो immediately उसको क्या कहा जाता है कि नीचे अभी के अभी डाइनिंग रूम में आओ। इंस्टेंट क्या हो गया, इमीडिएटली उसको ड्राइंग रूम में बुलवाया जाता है उसी टाइम। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब यहां पर उसे घसीटते हुए नीचे लाया जाता है जहां पर फादर जो है पेसिंग टू एंड फ्रो, जिसमें होता है चहलकदमी करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वो क्या कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, और उनके जो हाथ थे वो पीछे की तरफ थे। वेल ही सेड शार्पली, अभी उसने पूछा, फादर ने पूछा यहाँ पे कि हाँ क्या हुआ। मदर एक्सप्लेन, और मदर ने सारी बातें यहाँ पे बता दी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और उस बच्चे को घूर कर देखा। स्टेयर्ड मीन्स क्या होता है, लुक कॉन्टिन्यूसली। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया। नो नो नो, शी विस्पर्ड, बहुत धीरे से उसने स्टैमर करते हुए कहा, नो नो नो। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेज थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और अभी वो क्या कहते हैं कि जल्दी से, मदर गो अप टू हर रूम, कमरे में जाओ, एंड फेच डाउन द डैमेज थिंग, डैमेज क्या होता है, बैड, और उस चीज को लेकर के आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस मोमेंट, और इस बच्चे को भी अभी के अभी वहां उस बेड पर लेकर के जाओ।
क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बच्ची बहुत ज्यादा रो रही है, एक्सप्लेन करना चाहती है. शी ले इन द शेडोड रूम. शेडोड थोड़ा सा अंधेरा होता है कमरे में, उसमें उसे लिटा दिया जाता है ले जाकर के. वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. और वो देख रही थी क्योंकि शाम हो रही थी जिसकी वजह से फ्लोर के ऊपर पैटर्न बन रहे थे कुछ. देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. फादर आते हैं, उनके हाथ में एक छड़ी है, स्टिक है. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड. उन्होंने कहा तुमने जो मिस्टेक की है उसके लिए मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूं. ओ नो नो शी स्क्रीम्ड. वो चिल्लाई. हाइडिंग हर अंडर द बेड क्लोथ्स. अपने आप को छुपाने की कोशिश की बेड क्लोथ्स के नीचे. ही पुल्ड देम असाइड. उन्होंने उसे खींच करके बाहर निकाला. सिट अप ही ऑर्डर. उन्होंने ऑर्डर दिया कि बैठो यहीं पे. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हाथ बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. आज तुम्हें एक लेसन सिखाया जाना चाहिए कि जो चीजें तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें टच नहीं करना है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. तो लड़की हकलाते हुए थोड़ा स्टैमर करते हुए बताती है कि मैंने तो आपके बर्थडे के लिए बनाया था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. लेकिन फादर ने कुछ नहीं सुना और उसके हाथ के ऊपर जो उसके पिंक पाम्स थे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो हथेलियां होती है वो बहुत ही मुलायम और बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो उसके फादर ने स्टिक से उस बच्ची के हाथ के ऊपर स्टिक को मारना शुरू कर दिया. लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल. और उसके बाद जब उसकी पिटाई हो जाती है, ग्रैंड मदर उसे शॉल में लपेट करके ले जाती हैं. एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर. द चाइल्ड क्लंग्स टू हर सॉफ्ट बॉडी. ग्रैंड मदर ने उसको रॉकिंग जो चेयर होता है जो आगे पीछे जिसमें हम लेट करके आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, रॉकिंग चेयर बोलते हैं उसको. द चाइल्ड क्लंग्स टू हर सॉफ्ट बॉडी. तो क्योंकि बच्ची को मारा गया है वो बहुत डरी हुई है और वो अपनी उस दादी के बॉडी के साथ चिपक जाती है. दादी की जो बॉडी है वो बहुत ही सॉफ्ट है और उसके साथ क्लंज. क्लंज मीन्स क्या होता है? चिपक जाना. क्लंज होल्ड टाइटली. होल्ड टाइटली. तो वो दादी को बहुत कसकर के पकड़ लेती है. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर शी सोब्ड. क्योंकि वो रो रही है, उसको सुबकियां बंधी हुई हैं और इसीलिए वो अपनी दादी से कहती है कि भगवान ने फादर को क्यों बनाया है. हियर्स योर क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज. तो जो ग्रैंड मदर है वो बड़े प्यार से उसको एक साफ हैंकी देती है और कहती है कि तुम अपनी नाक इससे साफ करो. गो टू स्लीप और सो जाओ. पैट प्यारी डियर. You will forget all about it in the morning. तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने उनको बहुत कोशिश की थी आज तुम्हारे फादर को समझाने की, लेकिन आज वो इतने अपसेट थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना. But the child never forgot. लेकिन जो बच्ची थी वो इस incident को कभी भी नहीं भूली. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back. जैसे ही next time उसने अपने father को अपने सामने देखा, उसने डर के मारे अपने हाथों को अपने पीछे छुपा लिया. And a red color flew into her cheeks. और चेहरा जो था उसका लाल हो गया. The McDonald's lived next door. यहाँ पे उनका जो पड़ोस है, जो नेबर है उनका, उसके अंदर एक मैकडोनाल्ड्स फैमिली भी रहती है. दे हैड फाइव चिल्ड्रन. और उनके पांच बच्चे हैं. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. तो फेंस में से देखिए, यहाँ पे जैसे लड़की झांक रही है, गैप है, फेंसिंग ये वाला पोर्शन होता है, इसको फेंसिंग करना बोलते हैं, जैसे बाउंड्री बना देते हैं हम, ठीक है. तो वो उसमें से झांकती है और देखती है कि वहां पर वो जो बच्चे हैं अपने फादर के साथ टैग गेम खेल रहे हैं. टैग गेम जो होता है जिसमें एक दूसरे को हम पकड़ते हैं भागते हुए, वो गेम होता है आपका. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स. टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रेन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स. फ्लावर बेड्स क्या होता है? क्यारियां जो बनी होती है गार्डन के अंदर. तो यहाँ पे वो देखते हैं कि फादर ने अपने एक बच्चे को, जिसका नाम क्या है, माओ है, उसको कंधे पे उठाया हुआ है, और जो तो छोटी लड़कियां हैं वो अपने फादर के जो कोट पॉकेट्स हैं उनको पकड़ करके राउंड राउंड घूम रही हैं. किसके पास में? फ्लावर बेड्स के. शेकिंग विद लाफ्टर. और जोर जोर से हंस रही हैं. तो वो देखती है कि यहाँ पर देखिए फादर अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं वो. वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम. और एक दिन तो उसने देखा कि लड़कों ने
होज क्या होता है? यस, ट्यूब ऑफ रबर, ट्यूब ऑफ रबर, जैसे हम पानी देने के लिए यूज करते हैं जो रबड़ की जो पाइप बनी होती है, तो पानी जैसे चल रहा था तो बच्चे ने क्या किया कि उसको पाइप को उठाया और अपने फादर के ऊपर उस पानी को डाल दिया। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, लेकिन जो फादर है वो गुस्सा नहीं होते हैं बल्कि उनको हंसते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, और यही कारण था कि उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया था कि दुनिया के अंदर जो फादर होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सॉर्ट्स मीन्स क्या होता है? टाइप्स। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, और एक दिन क्या होता है कि उसकी जो मदर है वो बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उनकी केजिया की मदर को और ग्रैंड मदर दोनों को कहाँ जाना पड़ता है? हॉस्पिटल जाना पड़ता है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और जो लड़की है वो अकेली है घर पे, उसके साथ उनका जो कुक है वो एलिस उसका नाम है वो वहां पर है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब रात को एलिस उसे सोने के लिए बेड पर लेकर के गया तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई। अब वो डर क्यों जाती है? क्योंकि उसको रात को एक बहुत बुरा सपना आता है और इसीलिए वो डर जाती है। वट आई विल डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर शी आस्क, नाइट मेयर क्या होता है? यस, टेरिबल ड्रीम, बहुत डरावना जिसको सपना हम बोलते हैं, टेरिबल ड्रीम। तो वो उससे पूछती है एलिस से कि मुझे रात को फिर से अगर डरावना सपना आया तो मैं क्या करूंगी? आई ओपन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड, कि मुझे रात को अक्सर जो है डरावने सपने आते हैं और ग्रैनी कौन है? ग्रैंड मदर, वो मुझे अपने बेड पे लेकर के चली जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना है। You just go to sleep, child, said Alice. Alice ने बड़े प्यार से कहा कि तुम सिर्फ सोने की कोशिश करो। Pulling off her socks, उसके socks वो निकाल देता है। And don't you scream and wake your poor pa. और एक काम करना, चिल्लाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो अगर तुम चिल्लाओगी तो तुम अपने फादर को जगा दोगी। तुम्हारे पापा सोए हुए हैं, वो गुस्सा करेंगे, तुम्हें चिल्लाना बिल्कुल नहीं है। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन फिर से उसको वही डरावना सपना आता है। केम द बुच्चर विद अ नाइफ एंड अ रोप, तो फिर से उसको सपने में दिखाई देता है कि एक बुच्चर आ रहा है, उसके हाथ में एक नाइफ है, एक रोप है। हु केम नियरर एंड नियरर, और उसके बहुत नजदीक आता चला जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसके चेहरे के ऊपर वो ड्रेडफुल स्माइल थी। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, जैसे हम लोग भी सपना देखते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमारे पास आ रहा है और हम मूव नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल हम हिल नहीं पाते हैं, हम खड़े के खड़े रह जाते हैं। तो इसी तरह से उस बच्ची के साथ होता है। क्राइंग आउट, चिल्लाती है वो, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड, जागती है बुरी तरह से, वो कांप रही है, शिवर कर रही है। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, तो उसने देखा कि उसके जो फादर है वो वहीं पे ही है, अ कैंडल इन हिज हैंड, और अपने हाथ में उन्होंने कैंडल को लिया हुआ है और वो वहां पर खड़े हुए हैं। और जागती है वो, तो पूछते हैं व्हाट इज द मैटर ही सेड, तो फादर ने पूछा कि क्या हो गया तुम्हें? ओ अ बुच्चर अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, तो कहती है कि मेरे सपने में मुझे बुच्चर दिखाई दे रहा है, वो नाइफ लेके खड़ा हुआ है, मुझे अपनी ग्रैंड मदर के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, उन्होंने कैंडल को बुझाया, उसके बाद वो नीचे झुके और बच्ची को अपनी गोदी में ले लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको उस पैसेज क्या है, गैलरी में से होते हुए अपने बड़े बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, अ हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर रीडिंग लैम्प, अब क्या है कि बेड के ऊपर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, सिगार था रीडिंग लैम्प के पास में। ही पुट अवे द न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले उन्होंने न्यूज़पेपर को वहां से रिमूव किया, थ्रू द सिगार इन टू द फायर प्लेस, और सिगार को वहां से उठा करके फायर प्लेस के अंदर थ्रो कर दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बड़े प्यार से उस बच्चे को, केजिया को वहां पर सुला दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और साथ में खुद भी लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी नहीं सो पाई है, आधी सोई हुई है। स्टिल विद द बुच्चर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी उसको कैसा लग रहा है कि जो बुच्चर है वो अभी भी उसके साथ सामने आ रहा है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो थोड़ा सा सरक करके अपने फादर के पास चली जाती है। स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म,
और अपना सिर जो है अपने फादर की आम के पास लेकर के जाती है, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. अब वो आराम से लेटी हुई है, अब उसको अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है क्योंकि वो अपने फादर के बिल्कुल पास है. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वॉर्म, सेड फादर. फादर ने कहा कि तुम अपने पैरों को मेरे पैरों के साथ रब करके गर्म कर लो और सोने की कोशिश करो. Tired out, he slept before the little girl. वो बहुत ज्यादा थके हुए थे और उस बच्ची के सोने से पहले ही वो सो चुके थे. A funny feeling came over her, और एक अजीब सी जो फीलिंग थी वो उस बच्ची के मन में आती है. Poor father, कि मेरे प्यारे पापा, not so big, इतने बड़े भी तो नहीं है. After all, and with no one to look after him, कौन है जो उनका देखभाल करे. He was harder than grandmother. वो ग्रैंड मदर के कंपैरिजन में हार्डर है, उनकी बॉडी हार्डर है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी जो हार्डनेस है वो अच्छी है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, डेली उनको कितना काम करना पड़ता है. एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और इतना थक जाते हैं कि वो एक मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन पाते हैं. She had torn up all his beautiful writings. तो अब वो याद कर रही है कि उसने भी तो कितनी मिस्टेक की, उसने अपने फादर की जो राइटिंग्स थी, ब्यूटिफुल जो स्पीच जो लिखी हुई थी उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी, उसको उसने फाड़ दिया था. She stood. Stood means क्या होता है? Moved. वो थोड़ा सा मूव करती है, हिलती है सडनली. एंड साइड, साइड मीन्स क्या होता है? यस, टेक अ डीप ब्रीथ, टुक अ डीप ब्रीथ, और एक लंबी सी सांस लेती है. व्हाट्स द मैटर, आस्क हर फादर, अनदर ड्रीम. तो फादर ने जैसे ही देखा कि वो अभी भी नहीं सोई है तो पूछते हैं कि क्या हो गया, फिर से कोई सपना आया. ओ सेड द लिटिल गर्ल, तो प्यारी बच्ची ने कहा, ओ माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कि मेरा जो सिर है वो आपके दिल के बिल्कुल पास है. आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसे सुन सकती हूँ. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि पापा आपका जो दिल है वो बहुत बड़ा है और आप मेरे बहुत प्यारे पापा हो. तो इस तरह से उस बच्ची की जो अंडरस्टैंडिंग थी अपने पापा को लेकर के वो चेंज हो जाती है. उसको समझ में आता है कि कुछ फादर जो होते हैं वो उनके साथ खेल करके अपना प्यार जो होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं, और कुछ फादर जो होते हैं वो उनके लिए काम करके, उनको सजेशन दे करके, उनको एडवाइस दे करके, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के वो उनको ऐसा करते हैं. सो इट वॉज अबाउट योर चैप्टर. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर एकेडमी.